हेलो स्टूडेंट्स, आज दे इस एडुसेट लैक्चर विच तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं चैप्टर फोर्थ दे यूनिट वन दा लास्ट टॉपिक है, जिहड़ा लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ दे बारे विच चर्चा करन जा रहे हाँ। स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, साडे विचों बहुत सारे ऐसे ने जिहड़े सोचदे ने कि इट इज़ ऑल रिलेटिड टू रिप्रोडक्शन, कि कोई व्यक्ति अगर संतान उत्पत्ति दी समर्था रखदा है तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी परसन है। कि तुहानू लगता है ये डेफिनेशन सफिशेंट है? नो, इट इज़ नॉट सफिशेंट। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ दी बहुत ही ब्यूटीफुल और कॉम्पैक्ट डेफिनेशन दिती है, जिस दे अकॉर्डिंगली रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इस डेफिनेशन का की मतलब है? कंप्लीट फिजिकल हेल्थ का मतलब कि जो व्यक्ति संतान उत्पत्ति कर सकता है वो फिजिकल फिट होने के नाल नाल उसनू मेंटली भी, सोशली भी और इमोशनली भी बैलेंस्ड होना पड़ेगा, ताकि वो अपनी आने वाली जनरेशन नू एक अच्छी लाइफ दे सके, उन्होंने एक अच्छा सिटीजन बना सके। स्टूडेंट्स, मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक डायग्राम ड्रॉ किया है, तुसी ये डायग्राम नू ड्रॉ करके भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ दी डेफिनेशन अच्छी तरह समझ सकते हो। इस चैप्टर दे विच जड़े टॉपिक्स असी कवर करन जा रहे हाँ वो हन प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, एमनियोसेंटेसिस, MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड इनफर्टिलिटी। बच्चों, असी सारे अपनी हेल्थ बारे कॉन्शियस रहिंदे हाँ, असी जानते हाँ कि हेल्थ इज़ वैल्थ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का एक चैप्टर अगे जाके तुसी पढ़ोगे तुहाडे करिकुलम दे विच है। फिर इस दे बावजूद रिप्रोडक्टिव हेल्थ नू एक स्पैशल टॉपिक बना के, एक चैप्टर बना के जिहड़ा साडे बुक दे विच, सिलेबस दे विच इंट्रोड्यूस किया गया, प्लस टू लैवल दे विच जदों कि बच्चे अडोलसेंट हुंदे ने, इस टाइम तुसी अडोलसेंट फेज दे विचों लंघ रहे हो। इस दा की कारण है? इस टॉपिक नू एनी इंपॉर्टेंस क्यों दित्ती गई? बच्चों, तुसी डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आसपास कई घटनावां सुनते हो, जिस तरह मैं गल करां फीमेल फिटिसाइड दी। फीमेल फिटिसाइड दा मतलब कि फीमेल नू अपनी मदर दे कुख दे विच ही मार देना, उसनू टर्मीनेट कर देना। इट इज़ जस्ट लाइक ए मर्डर, ताकि फीमेल जन्म ही ना लै सके। और इस प्रॉब्लम दे करके अज साडे अगर पंजाब दी गल करिए तो जिहड़ी मेल फीमेल रेशो है वो इमबैलेंस हो रही है। ऐसे तरह तुसी सैक्स क्राइम्स बारे डेली सुनते हो, डेली न्यूज़पेपर दे विच रेप केसिस दे बारे खबरां छपदियां रहिंदियां ने, इलीगल एबॉर्शनस हो रहे ने। और अगर मैं मेल न्यूट्रिशन दी गल करां, तां मेल न्यूट्रिशन दा मतलब कि बच्चे नू प्रॉपर बैलेंस डाइट है जिहड़ी वो नहीं मिल पाती, जिस दे करके पंजाब दी अगर असी गल करिए तां अज पंजाब दे विच मेल नरिश्ड बच्चियां दी जिहड़ी संख्या है वो पिछले 10 सालां तो डबल हो चुकी है। सैक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, अज साडा यूथ है जिहड़ा वो इस तरह दीआं समस्यावां दे विच घिरिया पिया है। और सब तो वड्डी जिहड़ी समस्या है साडे देश दी ही नहीं, सगों ओवरऑल वर्ल्ड दे विच समस्या है वो चल रही है ओवर पॉपुलेशन दी, कि पॉपुलेशन है जिहड़ी वो लगातार वध रही है। और ये सारियां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने किते ना किते ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ दे नाल रिलेटेड ने, और इन्हां प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करन दियां स्ट्रैटेजीज ने जिहड़ियां वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ दे नाल रिलेटेड हन। ऐसे करके जिहड़ा ये चैप्टर है साडे करिकुलम दे विच ऐड किया गया। अगर असी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की गल करिए, एक्सप्लोजन मीनस कि जिहड़ी पॉपुलेशन है वो बंब दे धमाके की तरह बढ़ रही है। At present, population is increasing at a rate of 2 persons per second. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ,
ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੈ 2021 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਹੁਣ 2018 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 18 ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਡਾਟਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 1.35 ਬਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ? ਅਗਰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ MMR ਰੇਟ, ਮਦਰ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਔਰ IMR ਰੇਟ, ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। MMR ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਥ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬਰਥ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ IMR ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਰ ਹੈ ਹੁਣ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਨਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਟਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਰਥ ਦੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਫਲੱਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋਕੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭੂਚਾਲ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਈਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਫੋਰ ਅਸ, ਨੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਭਿਆਨਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਏ, ਨੇਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣਿਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਂਡ ਪਲੈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ RCH ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਸ ਬਣਾਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨੋਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਡਰਾਮਾਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਸਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ। ਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ 1 or 2 ਐਂਡ ਦ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇਅਰ ਬਰਥਸ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੈਪ, ਏਜ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਮ 2 ਹਮਾਰੇ 2,
इंडिया दे विच स्लोगन बड़ा पॉपुलर रहा है और इस स्लोगन दे तहत गवर्नमेंट ने एक सुझाव दिता कि हर एक फैमिली दे विच दो तो वध बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। फैमिली प्लानिंग हुण किस तरह नाल पॉसिबल हो सकती है, कड़े-कड़े मैथड्स ने जिस दे नाल बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, एदे वास्ते बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्नीक्स या मैथड्स डिवेलप किए गए। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है वो मैथड्स या वो टेक्नीक्स जिन्हां दे नाल प्रैगनेंसी नूं डिले किया जा सकता है। कड़े-कड़े कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स ने, नैचुरल मैथड्स भी हो सकते ने, बैरियर मैथड्स भी हो सकते ने, IUDs इंट्रायूटराइन डिवाइसिस भी हो सकते ने, ओरल पिल्स भी हो सकदियां ने एंड सर्जिकल मैथड्स भी हो सकते ने। बच्चो असी इन्हां सारे मैथड्स नूं वन बाय वन डिटेल दे विच चर्चा करांगे। आओ सब तो पहला असी नैचुरल मैथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल दे उत्ते गल करिए। नैचुरल दा मतलब कि बर्थ कंट्रोल दे वास्ते किसी किस्म दी कोई मेडिसन या कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं लई जांदी, सिर्फ नैचुरल मैथड्स दे नाल ही बर्थ कंट्रोल किया जाता है। तीन तरह के जिहड़े नैचुरल मैथड्स ने असी पढ़ांगे। नंबर वन है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस दा मतलब है इंटरकोर्स एंड इंटरप्टस दा मतलब है रोक देना। तुसी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पिछले चैप्टर दे विच बहुत अच्छे तरीके दे नाल कीता है। सो अगर सैक्सुअल इंटरकोर्स दे दौरान मेल पीनिस नूं बिफोर जड़ा है इजैकुएशन तो पहला फीमेल बॉडी तो बाहर कर लैंदा है तां स्पर्म्स और एग नूं मीटिंग तो रोकिया जा सकता है, फर्टिलाइजेशन नूं अवॉइड किया जा सकता है, प्रैगनेंसी नूं डिले किया जा सकता है। सो क्वाइटस इंटरप्टस नूं विदड्रॉल मैथड भी किया जाता है। लेकिन बच्चों दी डिसएडवांटेज ये है कि समटाइम्स बिफोर इजैकुएशन भी जिहड़ा फ्लूड डिस्चार्ज हुंदा है उस दे विच स्पर्म्स हो सकते हैं और प्रैगनेंसी दे चांसिस ने जिहड़े ओह पैदा हो सकते हैं। दूसरा नैचुरल मैथड है पीरियोडिक एब्सटीनेंस। की मतलब है पीरियोडिक एब्सटीनेंस दा? असी मेंस्ट्रुअल साइकिल दे विच पढ़िया सी कि जिहड़ी ओवुलेशन है ओह 14th डे नूं हुंदी है और एग रिलीज़ होण तों 2 दिन तक ओह फीमेल बॉडी दे विच सरवाइव कर सकदा है। सो अगर असी काउंट करिए तां 10वें तों 17वें दिन दा जिहड़ा टाइम पीरियड है ए वाला पीरियड फर्टाइल पीरियड मन्निया जांदा है, जदों ओवुलेशन दे मैक्सिमम चांसिस हुंदे ने। और अगर इस पीरियड दे दौरान कपल वालों इंटरकोर्स नहीं किया जाता तो प्रैगनेंसी नूं डिले किया जा सकता है। लेकिन बच्चों एदी भी एक डिसएडवांटेज ये है कि कई फीमेल्स दे विच मेंस्ट्रुअल साइकिल इररेगुलर हो सकता है। सो उन्हां केसिस दे विच फर्टाइल पीरियड या डे ऑफ एवुलेशन की कैलकुलेशन कई बारी इम्बैलेंस हो जाती है और प्रैगनेंसी हो सकती है। थर्ड नैचुरल मैथड है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशन मीन्स ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन एंड एमिनोरिया मीन्स लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर फीमेल अपने बेबी नूं ब्रेस्ट फीड करवा रही है, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि ब्रेस्ट जड़ा है मदर्स मिल्क तो इलावा उसनों उपरों किसी किस्म की जड़ी डाइट नहीं दिती जांदी तो उस टाइम पीरियड के दौरान मैंस्ट्रुएशन नहीं हुंदी, ओवुलेशन नहीं हुंदी। सो शॉर्ट दे विच असी इसनों LAM दे नाम नाल भी लिख सकते हाँ। लेकिन बच्चों दी एक डिसएडवांटेज ये है कि लैक्टेशन पीरियड है जड़ा उहदे च भी कई लिमिटेशनस है कि आफ्टर 6 मंथ्स बच्चे नूं सॉलिड डाइट देनी भी जरूरी है। सो ये जड़ा है काफ़ी लंबे समय तक ये सेफ नहीं मन्या जा सकता। हुण असीं गल करदे हाँ बैरियर मैथड्स की। बैरियर का मतलब कि स्पर्म एंड एग दे विच अगर एक बैरियर बना दिता जाए, स्पर्म एंड एग नूं मिलन तो रोक लिया जाए तो उसनों असीं कहने हाँ बैरियर मैथड। ए बैरियर मैथड इज़ यूज्ड ड्यूरिंग इंटरकोर्स टू कीप द स्पर्म्स फ्रॉम ट्रैवलिंग थ्रू द सर्विक्स एंड इन टू द यूट्रस। कि बैरियर क्रिएट कर दिता गया स्पर्म सर्विक्स तो ट्रैवल करते हुए यूट्रस तक नहीं पहुँच सकते। केड़े केड़े बैरियर मैथड्स हो सकते ने? फीमेल कंडोम्स, मेल कंडोम्स, ये जड़े साड़ी कंट्री दे विच बहुत पॉपुलर ने और गवर्नमेंट जड़े फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ताकि पॉपुलेशन हर हालत दे विच काबू विच रखी जा सके। सर्वाइकल कैप्स ने,
स्पर्मीसाइडल क्रीम्स ने, डायाफ्राम्स है, स्पॉन्ज है, बच्चों में जिदे उते एफ एफ मार्क किया है, दैट मीनस कि ये वाले जो कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स ने ये फीमेल्स द्वारा यूज किए जाते हैं और इन्होंने कई ऐसे ने जोड़े रीयूजेबल भी ने, एक बार तो वध भी यूज किए जा सकते हैं। आओ हुण गल करते हाँ IUDs की, फुल फॉर्म है इंट्रा यूटराइन डिवाइसिस। कई बार वन मार्क क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ IUDs इंट्रा यूटराइन डिवाइसिस। जिवें नाम तो इंडिकेट हो रहा है कि यह फीमेल्स के यूटरस में फिट किए जाते हैं, सो दीज डिवाइसिस आर यूज बाय फीमेल्स ओनली। तीन तरह के IUDs ने, नॉन मेडिकेटेड IUDs ने, कॉपर IUDs ने एंड हॉर्मोनल IUDs ने। जिहड़े नॉन मेडिकेटेड IUDs ने, ये बहुत सिंपल तरह के IUDs ने, दे आर जस्ट लाइक बैरियर्स, क्योंकि इन्होंने किसी किस्म का कोई हॉर्मोन या किसी किस्म की कोई मेडिसिनल कंपोजिशन नहीं होंदी। ऐसे तुसी एग्जाम्पल दे सकते हो लिप्स लूप्स। इस तो बाद एडवांस्ड टाइप के IUDs ने जिहड़े वो होंद विच आए, कॉपर IUDs। जिवें नाम तो इंडिकेट हो रहा है, इन्हों IUDs दे विच कॉपर मेटल का इस्तेमाल किया गया, फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी एंड मल्टी लोड 375। कॉपर टी, टी एस वास्ते लगाया गया क्योंकि ये जिहड़े IUDs ने इन्हों की जिहड़ी शेप है इंग्लिश के अल्फाबैट टी वर्गी है और ये यूटरस दे विच बड़ी आसानी नाल और अच्छी तरह के नाल फिट किए जा सकते हैं। थर्ड उस तो भी एडवांस IUDs डिवेलप हुए, हॉर्मोनल IUDs, जिन्हों के हॉर्मोनस पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल LNG20 एंड प्रोजेस्टा स्टर्ट। सो कई बार वन मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों, सो तुसी इन्हां दी एक एक एग्जाम्पल IUDs की जरूर याद रखनी है। हुण क्वेश्चन ये उठता है कि IUDs जदों यूटरस दे विच फिट हो गए तो किस तरीके दे नाल फर्टिलाइजेशन नूं रोकते हैं, हाउ IUDs वर्क। चार तरीके ने IUDs दे काम करन दे, पॉइंट वाइज अगर असी देखिए, सब तो मैं पहला मैं नंबर टू ते आंदी हाँ। कॉपर IUDs ने जिहड़ियां वो की करदियां ने, स्पर्म दी मोटिलिटी नूं घट कर दिंदियां ने, स्पर्म्स नूं इमोबाइल बना दिंदियां, और अगर स्पर्म इमोबाइल हो गया तो वह सर्विक्स के थ्रू ट्रैवल करता होया यूटरस तक नहीं पहुँच सकता। दूसरा कॉपर IUDs दे नाल नंबर फोर ते देखो तुसी, फैगोसाइटोसिस जड़ी स्पर्म दी है वो इनक्रीज हो जाती है, स्पर्म्स ने ऑटोमैटिकली यूटरस दे विच पहुँचते सार किल होने शुरू हो जाते हैं और फलोपियन ट्यूब तक वो नहीं पहुँच पाते। हारमोनल IUDs ने जड़ी वो भी अपने एक अलग तरीके दे नाल प्रैगनेंसी नू डिले कर दिया ने, जिस तरह नंबर वन ते तुसी देखो लिखा होया थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। हॉर्मोनल IUDs की कर दिया ने कि सर्विक्स दे विच एक म्यूकस दा प्लग लाइक स्ट्रक्चर, थिक म्यूकस बना दिंदिया ने, जिस दे थ्रू स्पर्म क्रॉस करके उस प्लग नू क्रॉस करके स्पर्म एंटर नहीं कर सकते, या फिर की कर दिया ने कि यूटरस दी लाइनिंग नू थिन कर दिंदिया ने एंड लाइनिंग बिकम्स अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन। यूटरस जिहड़ा है अनएबल हो जाता है, वो अपने नाल एम्ब्रियो नू इम्प्लांट नहीं करा सकता, और अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होएगा यूटरस विच तो प्रैगनेंसी पॉसिबल नहीं है। सो इस तरीके दे नाल ये IUDs ने जड़ियाँ काम करदियां ने। हुण बच्चों IUDs दियाँ कुछ एडवांटेजेस भी ने और कुछ डिसएडवांटेजेस भी ने। एडवांटेजेस की ने कि बहुत इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड है, गवर्नमेंट वालों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दे विच ए लेडीज़ नू फ्री मुहैया करवाए जाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग दे उत्ते एना दा किसे किस्म दा कोई इफेक्ट नहीं हुंदा, और लॉन्ग लिव्ड ने काफ़ी समय दे तक जिहड़ियां ने यूटरस दे विच फिट रहिंदियां ने और इफेक्टिव रहिंदियां ने, और जदों फीमेल चाहे कि उसने फैमिली प्लैनिंग करनी है तो इन्हां नू ईजीली रिमूव करवा सकती है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਂਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਪਰ IUDs ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸਟਰਲ ਫਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਵੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਣ। अगले जिहड़े कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स ने उन्हें ओरल पिल्स, ये टैबलेट्स की फॉर्म्स दे विच ने, बर्थ कंट्रोल पिल्स किया जाता है इन्हों, और ये भी हारमोनल पिल्स ने।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟ੍ਰੋਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਿਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ CDRI ਲਖਨਊ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਪਿੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਹੇਲੀ ਓਰਲ ਪਿੱਲ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਸਟਰੋਇਡਲ ਪਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜੋ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨਸ ਏ ਵੀਕ ਪਿੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 21 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਾਊ ਡੂ ਪਿਲਸ ਵਰਕ ਪਿਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਕੋਜ ਥਿਕਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਮਿਊਕਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਰਵਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਕਸ ਦਾ ਪਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਵਿਕਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦੇ ਮੇਕ ਯੂਟਰਸ ਅਨਫਿਟ ਫੋਰ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਹੈ ਉਸਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਮੈਚ ਸਟਿਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਪਰ ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰ ਆਰਮ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨ ਨੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਲੀ ਸਲੋਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹਨ ਸਰਜੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫੁੱਲ ਪਰੂਫ ਐਂਡ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਵਿਸੈਕਟਮੀ ਐਂਡ ਟਿਊਬੈਕਟਮੀ ਅਗਰ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸੈਕਟਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬੈਕਟਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸੈਕਟਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਐਂਡ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਟੈਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਐਂਡ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਐਗ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਪਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਸੈਕਟਮੀ ਐਂਡ ਟਿਊਬੈਕਟਮੀ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਿੰਪਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ ਬੋਥ ਫੋਰ ਦਾ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਥਰਡ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਹੈ ਬੱਚੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਮਨੀਓਸੈਂਟਸਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਢ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
अगर बच्चे दे विच किसी किस्म का जेनेटिक डिफेक्ट है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट है या कोई मैटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो वह पहला ही पता लग सकता है और अगर पॉसीबल है तो उसकी ट्रीटमेंट भी बिफोर बर्थ पॉसीबल हो सकती है। तुसी देख रहे हो कि एमनियोटिक फ्लूड नू सिरिंज दे नाल कढ़िया जा रहा है और फिर लैब दे विच एस एमनियोटिक फ्लूड दे जिस दे विच बच्चे दे फीटस दे सेल्स हन उन्हां दी स्टडी करके अगर कोई डिजीज़ है तो उसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन इस प्रोसीजर दी सब तो वड्डा इलीगल यूज़ सैक्स डिटरमीनेशन दे विच होन लग्या, क्योंकि इस स्टडी के दौरान यह भी पता लग जाता है कि डिवेलपिंग फीटस मेल है या फीमेल है। सो एदा इलीगल यूज़ होन लग्या, इलीगल एबॉर्शनस होन लगे, फीमेल्स नू जड़ा है कुख दे विच ही मारिया जान लग्या। इन्हां सारिया प्रॉब्लम्स नू देखदे होए भारत सरकार ने मेडिकल टर्मीनेशन ऑफ प्रैगनेंसी एक्ट 1971 दे तहत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशनस चेंज किते, कुछ मॉडिफिकेशनस कीतियां, जिस दे तहत कि एमटीपी है जिहड़ी उहदे वास्ते तीन क्वेश्चन मार्क्स लगाए गए, एमटीपी वाई, क्यों, वैन, कदों एंड वेयर, कित्थों, कि एमटीपी है क्यों करवानी चाहिदी है, कदों करवानी चाहिदी है और कित्थों करवानी चाहिदी है। सो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने कि जदों लगता होवे डॉक्टर्स नूं कि बर्थ टाइम मदर दी जिहड़ी जान नूं खतरा हो सकता है तां लीगली एमटीपी अलाउड है, या एमनियोसेंटेसिस के दौरान यह पता लगे कि फीटस एबनॉर्मल है और आफ्टर बर्थ वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता तां भी एमटीपी लीगल है, एमटीपी पॉसिबल है। लेकिन ये दोनों कंडीशनस उदों तक ही पॉसिबल हो सकदियां ने अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये सारिया जिहड़ियां कंडीशनस का सानू पता लग जाए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक एमटीपी सेफ है, उस तो बाद अगर एमटीपी करवाई जाती है तो उहदे विच मदर की जान नू खतरा हो सकता है और एमटीपी हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर्स तो ही करवानी चाहिए है। बच्चों एमटीपी की कई बार वन मार्क डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, सैक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजिज, अज साडा यूथ है जिहड़ा इन्हां प्रॉब्लम्स दे विच घिरिया होया है क्योंकि उहदे विच अवेयरनैस नहीं है कि यह डिजीज़ किस तरह हुंदे ने। दे कैन बी ट्रांसमिटिड थ्रू सैक्सुअल कंटैक्ट, कुछ एग्जाम्पल्स ने जनाइटल हर्ब्स है, साइफिलिस है, गनोरिया है, हैपेटाइटिस बी है, एच आई वी एड्स है, ये सारे डिजीज ने जोड़े सैक्सुअली ट्रांसमिटिड डिजीजिज हैं। और अर्ली सिमटम्स अगर इन्हों के पता लग जाते हैं, मोस्टली 15 to 24 साल के जोड़े एडोलसेंट ने उन्होंने इन्फेक्शन ज़्यादा पाई जाती हैं और अगर उन्होंने कुछ अर्ली सिमटम्स इस तरह के दिखाई देंगे ने कि पेनफुल यूरीनेशन है, एबडोमन च पेन है या एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है मेल एंड फीमेल दे विच या टेस्टिस च पेन है, तो ये अर्ली सिमटम्स जोड़े एक्सपीरियंस करते सार डॉक्टर नू कॉन्टैक्ट करना चाहिए और अर्ली स्टेजिज के डिजीज़ ने जोड़े क्योरेबल ने। लेकिन इन्हों के एच आई वी एड्स, हैपेटाइटिस बी अगर अर्ली स्टेजिज से भी पता लग जा तो इन्हों का क्योर हाले तक संभव नहीं हो सकिया है। और अगर अर्ली स्टेज से पता नहीं चलिया, क्योंकि साढ़े यूथ की अच्छ प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने टॉपिक्स के उत्ते खुल के गल नहीं की जाती और जदों तक डॉक्टर को जाते हैं उदों तक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेशनस हो जाए ने, डॉक्टर भी फिर जोड़ा है अनएबल हो जाता है उस जरा इलाज तो। कि कॉम्प्लीकेशन हो सकदियां ने, पी आई डी, पैलविक इनफ्लामेटरी डिजीज़, पैलविक रीजन के सोज आ जाना, एबॉर्शन हो जाने, स्टिल बर्थ हो जाने, यूटरस दे विच प्रैगनेंसी ना होके फिलोपियन ट्यूब्स दे विच जिहड़ा एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाए जिसनों असीं एक्टोपिक प्रैगनेंसी कहिंदे आ, इनफर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक दे कैंसर भी कॉमन ने जिहड़ियां एसटीडीज़ दे करके कॉम्प्लीकेशनस आंदियां हन। प्रिवेंट किद्दां कीता जाए एसटीडी डिजीज़ नूं, बेस्ट वे है कि यूज ऑफ कंडोम्स, बी फेथफुल टू योर पार्टनर। और अगर तुहानूं लगता है, किसी नूं लगता है कि मैनूं ये प्रॉब्लम है जिहड़ी फील हो रही है तो एट वंस डॉक्टर को जाके टेस्ट करवा लेने चाहिए हैं। इनफर्टिलिटी लास्ट टॉपिक है साड़ा, इनफर्टिलिटी साढ़े समाज की एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके उत्ते गल करना बहुत जरूरी है। कई बार कोई कपल नैचुरली जड़ा है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो फिर वो डिप्रैशन का शिकार हो जाता है, कई सोशल प्रॉब्लम्स आ जाए, उहदे कई कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, कोई जेनेटिक डिजीज़ हो सकता है, ड्रग लेंदे हो सकते हैं, कई बार साइकोलॉजिकल रीजनस के करके भी प्रैगनेंसी नहीं हो पाती। तो फिर वो कपल है जिहड़ा वो किस तरह
पेरेंटहुड नू इंजॉय कर सकता है। उदे वास्ते ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जिदे विच बहुत सारिया टेक्नीक्स डिवेलप हुई ने, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सानू पता है कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर होंदी है, स्पर्म एंड एग अंदर मीट करते हैं, लेकिन अगर इन्हों लैब दे विच फ्यूजन करवाया जाए तो असी कहांगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुई है। ए अंडर फिल टेक्नीक से अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाल जाइगोट बनया है और उसनू फिलोपियन ट्यूब विच ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसनू कहिंदे ने ZIFT। और अगर जाइगोट फर्दर डिवाइड होकर एम्ब्रियो बन चुके हैं, मोर दैन 8 सेल स्टेज हो चुकी है, तो असी कहांगे एम्ब्रियो ट्रांसफर। फिर एम्ब्रियो नू फिलोपियन ट्यूब दे विच नहीं यूट्रस दे विच ट्रांसफर किया जाता है। ये जिहड़ियां IVF टेक्नीक्स ने इन्हों कलैक्टिवली असी टेस्ट ट्यूब बेबी मैथड्स भी कहते हैं। सो मैं एक डायग्राम ड्रॉ किया है, तुसी ये डायग्रामैटिक रिप्रजेंटेशन दे नाल भी जिहड़ा है IVF टेक्नीक्स नू समझ सकते हो। तुसी देख रहे हो कि फीमेल नू हारमोनल थेरेपी दिती जा रही है, उहदे विचों एग दे सैंपल्स लए ने, इस तरह मेल्स दे विचों स्पर्म्स दे सैंपल लए ने और इन्हों आर्टिफिशली लैब दे विच फ्यूज करवाया गया। फ्यूज़ करन तो बाद फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बनिया और जाइगोट नू फिलोपियन ट्यूब्स दे विच ट्रांसफर कर दिता गया। अगर जाइगोट एम्ब्रियो दे विच कन्वर्ट हो चुका है तो एम्ब्रियो नू फिर असी यूट्रस दे विच ट्रांसफर करांगे। ए ने IVF दे स्टेप्स। बट GIFT नू मैं IVF दी टेक्निक दे विच नहीं लिया, क्योंकि GIFT दे विच फर्टिलाइजेशन है जिहड़ी नैचुरल तरीके दे नाल बॉडी दे अंदर हुंदी है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। GIFT दी फुल फॉर्म गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, कि अगर स्पर्म्स या एग्स आर्टिफिशली फिलोपियन ट्यूब दे विच ट्रांसफर किए जा रहे हैं और फर्टिलाइजेशन अपनी नैचुरल प्लेस के उत्ते होएगी जिहड़ी फिलोपियन ट्यूब्स दे विच होएगी। सो इस टेक्नीक नू कहिंदे ने GIFT। एक होर टेक्नीक है ICSI इंट्रा साइटोप्लाजमिक स्पर्म इंजैक्शन। ये टेक्नीक उदों इस्तेमाल विच लियाई जाती है जदों सीवियर प्रॉब्लम्स होन मेल नू, स्पर्म बिल्कुल इमोबाइल होन या स्पर्म काउंट बहुत ही घट होवे, तो स्पर्म नू डायरैक्टली एग दे विच इंट्रोड्यूस करा के फर्टिलाइजेशन दी प्रोसैस आर्टिफिशली कीती जाती है। सरोगेट मदर, इनफर्टाइल कपल को एक लास्ट ऑप्शन ये भी हो सकती है कि वह सरोगेसी की हैल्प लै सकते हैं। सरोगेट मदर कौन होंदी है? सरोगेट मदर इज़ ए वूमेन हू एग्रीज टू बिकम प्रैगनेंट फॉर अनदर वूमेन थ्रू ए प्रोसैस कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तुसी मैं डायग्रामैटिकली तुहानू समझाने की कोशिश करती हाँ कि सपोज ए कपल है, मेल इज़ प्रोड्यूसिंग नॉर्मल स्पर्म्स, फीमेल इज़ प्रोड्यूसिंग नॉर्मल एग, लेकिन एज फीमेल द यूट्रस इज़ अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन। ये एम्ब्रियो नू अपने यूट्रस दे विच जिहड़ी है यूट्रस एम्ब्रियो नू डिवेलप नहीं कर सकता, उसनू न्यूट्रीशन नहीं दे सकता। एस केस दे विच की होएगा कि मेल दे स्पर्म्स एंड फीमेल दे एग नू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी और जाइगोट या एम्ब्रियो नू एक होर हेल्दी जिहड़ी है लेडी जिसनू असी सरोगेट मदर दा नाम दिता है उस दे हेल्दी यूट्रस दे विच ट्रांसप्लांट किया जाएगा और फॉर 9 मंथ्स ए सरोगेट मदर उस बच्चे नू अपने अंदर डिवेलप करेगी एंड आफ्टर पार्टोरेशन आफ्टर बर्थ वो बेबी नू ए बायोलॉजिकल पेरेंट्स नू सौंप देवेगी। सो ए है सरोगेट मदर। आज साड़ी कंट्री दे विच सरोगेसी है जिहड़ी वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है और ये भी एक तरह की IVF टेक्नीक्स हैं। जिन्हिया भी असी हुण ARTs डिस्कस कीतियां बच्चो, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्नीक्स ने, इन्हां वास्ते स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स चाहिए ने, बड़े एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स ने, हॉस्पिटल का जिहड़ा सैटअप है वह भी बिल्कुल डिफरेंट हुंदा है। तुसी जिहड़ा आम हॉस्पिटल दे विच सैटअप देखते हो उहदे तो बिल्कुल सैपरेट सैटअप हुंदा है। काफ़ी कॉस्टली टेक्नीक्स ने लेकिन फिर भी अजकल हुण साडी कंट्री दे विच बहुत पॉपुलर हो रही ने। लास्ट ऑप्शन, अगर किसी करके इनफर्टाइल कपल कोई भी ART टेक्नीक है जिहड़ी अवेल नहीं कर सकता किसी रीजन करके, तो वो चाइल्ड अडोप्शन की टेक्नीक नू अपना सकता है। साड़ी कंट्री दे विच लीगल है कि कोई भी ऑर्फन बच्चे नू गोद लैके उसनू एक अच्छी लाइफ दे सकता है, उसनू एक अच्छा नागरिक बना सकता है। सो चाइल्ड अडोप्शन बारे भी सोचा जा सकता है। सो बच्चो ये तो सी अज का साडा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हैल्थ। आई होप कि तुहानू सारे टॉपिक्स ने जिहड़े वो चंगी तरह समझ आ गए होंगे और तुसी जिहड़ियां बैक एक्सरसाइज ने साडी बुक दे विच उन्हां नू
सॉल्व करो और 1, 2, 3 मार्क्स ने जोड़े जोड़ा भी एनसीईआरटी के बोल्ड अक्षर दिता हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है जोड़ा एग्जाम के पूछा जा सकता है. थैंक यू वेरी मच.